ओहो, यह ट्रैक्टर तो बहुत बुरी तरह से पलट गया। रोड बनाने के लिए जेसीबी से मिट्टी खोदी गई थी। ड्राइवर इस खेत की जुताई करके मिट्टी ले जा रहा था, गड्ढे में गिरा रहा था खेत समतल करने के लिए। इसी में ट्रैक्टर गहरी खाई में जाने की वजह से पलट गया। अच्छा हुआ रोड की वजह से ट्रैक्टर रुक गया और ड्राइवर नीचे उतर कर अपनी जान बचा लिया। ट्रैक्टर बहुत बुरी तरह से फंस गया है। अब बगल में एक आयसर 485 चल रहा है, अब उनको बुलाया जाएगा और ट्रैक्टर टोचन करके निकाला जाएगा। यह ट्रैक्टर कितना बुरी तरह से फंसा है, आगे के पहिए बिल्कुल ज़मीन छोड़कर आसमान में है, पीछे का लेफ्ट पहिया पूरा चला गया खंती के अंदर। गाड़ी बिल्कुल रोड के सपोर्ट में रुकी हुई, नहीं तो पलट जाती। बहुत अच्छा हुआ किसी को कोई चोट नहीं आई। अब गाड़ी खड्डे में खड़ी है, अब इसको यहीं रोक देते हैं, बुलाते हैं। बगल में एक ट्रैक्टर आयसर 485 चल रहा है, पर ट्रैक्टर आ रहा है। अब वो ट्रैक्टर आएगा तो इसको हम टोचैन करके निकालेंगे। आ गया आयसर 485 शेर जैसा ट्रैक्टर, अभी इसको एक झटके में निकालेगा। टोचन का काम जारी है, ट्रैक्टर थोड़ा पीछे लेके लगा लिए हैं, अब टोचन हो गया, बस निकलने ही वाला है। देखिए आयसर 485 का जोर, और ये शेर ट्रैक्टर एक झटके में ले निकला इसको। बहुत बुरी तरह फंसा था, लेकिन ये आयसर 485 शेर की तरह दहाड़े मारकर एक झटके में बाहर ला दिया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ट्रैक्टर बाहर आ गया, देखने वाले सब